वेलकम है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर एजुकेशनिस्ट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने आपको एक वीडियो के जरिए इन्फॉर्म किया था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का डाटा हैक कर लिया गया है और उसको सेल पे रखा गया है जस्ट फॉर $250, जो करीबन 20,000 रुपये जमा होते हैं इंडियन रुपीज में। तब से काफ़ी स्टूडेंट्स पैनिक हुए हैं कि कहीं हमारे डाटा के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की जाएगी, क्या एग्जाम्स होंगे। सो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। और एक गैर कानूनी वेबसाइट डार्क वेब पर ये दस्तयाब है। ये खबर फैलते ही तलबा और तलबात में तशवीश पाई गई कि कहीं उनके डाटा के साथ छेड़छाड़ न की जाए, क्योंकि साइबर हमलों में इस तरह की हरकतें अक्सर देखी जाती हैं। आज शाम कश्मीर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर आईटी डॉक्टर मारूफ कादरी ने शेरवीन को बताया कि यूनिवर्सिटी का तमाम डाटा महफूज है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अलबत्ता यूनिवर्सिटी इसकी पूरी तरह जांच कराएगी। हमारा जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस था, जब हमें ये बात न पता चली कि ऐसे मतलब अफवाह है, तो वी डिड अ प्रिलिमिनरी एनालिसिस, हमने किया तो हमको ये पता चला कि दैट आवर डेटा सेफ है इन टर्म्स ऑफ कोई इंसर्शन नहीं हुई है, कोई डिलीशन नहीं हुई है, कोई अपडेशन नहीं हुई है जो कि फोर्सिबली की गई हो। तो हमने कंपेयर भी किया अपने डेटा पुराने डेटा के साथ, देयर इज एब्सोल्युटली उसमें कोई ये नहीं। तो रही बात जो स्टूडेंट्स जो पब्लिक डोमेन में डेटा है, जो स्टूडेंट का एकेडमिक हिस्ट्री जो होता है, जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालता है वो विजिबल होता है, प्लस जो स्टूडेंट का जो रिजल्ट आउट हुआ होता है वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी होता है। तो जो एम्प्लॉय का इन्होंने जो बताया है वो भी हमने देखा कि तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल है वो ब्रीच हुई है। ऐसे ही स्टूडेंट्स में भी जो हमारा कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक रिलेटेड ना, जो अभी लाइव नहीं या डिक्लेयर नहीं हुआ होता, वो भी एब्सोल्युटली सेफ है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। तो हमारा डेटा एब्सोल्युटली सेफ है इन टर्म्स ऑफ कोई ऐसी अपडेशन या इंसर्शन या डिलीशन नहीं। ये जो खबरें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, क्या ये फेक हैं? जी, अभी तो जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस हमने किया, जो ये कह रहे हैं कि जो कोई बाहर वाला जो ये ना डार्क वेब वाला जो बता रहा था $250 में ये डेटा अवेलेबल है, तो वो डेटा हम अभी तो एसर्टेन उनसे हमको देखना पड़ेगा कि उनके पास वाकई है कि नहीं है भी। तो जो पब्लिक डोमेन में डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वो तो सबको अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ऐसा कुछ डाटा हैक हुआ है जो ना डिलीट हुआ है, जो इंसर्ट हुआ है या कोई चेंजेस की गई है उस डेटा। अगर ये फैक खबर है तो आप कोई इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक कर रहे हैं हम ऑलरेडी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन जो है, जो भी रिकोर्स है वो वी आर फॉलोइंग दैट। तो अभी आप पूरे जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनका डाटा जो है सेफ है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा डाटा सेफ है, कोई ऐसा डाटा स्टूडेंट्स का रास्ते पे डिलीट नहीं हुआ है या इंसर्ट नहीं हुआ है। हमारी सारी ऑलरेडी जो स्टूडेंट रिलेटेड डेटा है, जो उनका रिजल्ट पास आउट एकेडमिक हिस्ट्री है, वो इंटैक्ट है एज व्हाट दे हैव। यूनिवर्सिटी का तमाम डाटा महफूज है, बात कर रहे थे डायरेक्टर आईटीएसएस कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर। इस तरह आपने सुना, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने खुद कंफर्म किया है हमारे डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, हमारा डेटा बिल्कुल सेफ है, ना उसमें अपडेशन की गई है और ना कुछ डिलीट किया गया है। सो स्टूडेंट्स को यहाँ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उनका डेटा बिल्कुल सेफ है और एग्जाम्स का शेड्यूल जैसे इशू किया गया था उसी टाइम पे होगा, इससे एग्जाम्स का कोई ताल्लुक नहीं है, एग्जाम्स आपके टाइम पे होंगे। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।